सत श्री अकाल दोस्तो, मैं हाँ कुलजिंदर सिंह सिद्धू। मेरी आप जी नूं बेनती है कि इस फिल्म दौरान कोई भी नारेबाजी ना कीती जावे अते पूर्ण शांति दे नाल ए फिल्म देखी जावे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हैल्थ। तंबाकू का सेवन सेहत लई हानिकारक है। पंजाब दी मिलिटेंट मूवमेंट ने ऑलमोस्ट हर पंजाबी दी जिंदगी नू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित कीता सी। पर अज 20 साल बीत जान दे बाद ओ मूवमेंट मेरी जिंदगी विच इस कदर तूफान लेके आवेगा, मैनू इस गल दा बिल्कुल भी अंदाजा नहीं सी। ये है वो लड़की। Are you sure? जी सर। चलो शिंदे। इस सब की कोई जरूरत नहीं है मैडम, आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए और जो हम पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब दीजिए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आप लोग मैनू कोई और ही समझ रहे हैं। ओके, आप रिलैक्स कीजिए। हाथ खोलिए मैम के। आप मैम मुझे बस ये बता दीजिए कि आप तिहार जेल में किससे मिलने जाते थे, राजवंत से या करतार से? Congratulations, Miss Sharon. Thank you, sir. Well, the university panel has loved your thesis on the topic Minorities at War.
Okay. And they have decided to grant you a sanction for the purpose of your thesis. Thank you well, so much, sir. That's so. Not all, Ms. Chen. You will have to travel to 6 different countries for the completion of your research. Okay. Here are all your details, your list of guides in each country. And I took the liberty of fixing India first. That's really sweet of you, Professor Martin. Then Egypt, Sudan, Greece, Armenia, and Lebanon. Oh my God, wow, sir. Aye. Masi, oi, masi. Inna khush kyun hai mere bachcha? Ki lab gaya? Galli ko chadda diye masi. Tuhanu pata hai, mera research proposal sirf appreciate hi nahi hoya, balki main 6 deshon mein ja rahi hu apni research puri karan lai. Sachi? Yes, masi. Oh, vi, university de kharche the. And then Masi, your little daughter, is going to be Dr. Sharon Gill. Mera bachcha, main sadke jaawa. Mera bachcha doctor banunga. Yes, Masi. Te tuhanu pata hai, main sab to pehla kis desh vich ja rahi hai? Kis desh vich ja rahi hai? Masi, India. India? India ch kithe? Hor kithe, Masi, sada Punjab. Punjab? Yeah. तू पंजाब नहीं जाएंगी? But क्यों मासी? मैं कहता, सो कहता। अरे but why मासी? क्योंकि साड़ा इंडिया च कोई नहीं है, ते ना ही आज तक कल्ली तू किते गई है, ते नाले हर रोज इंडिया दे विच कोई ना कोई नवा स्यापा प्या ही रहंदा। मासी, कल्ली किते नहीं गई? Like I'm no more a little girl. तेनू इंडिया तो बिना कोई होर देश नहीं लभ्या? मासी, मैं ना उते घूमन नहीं जा रही, अपनी रिसर्च ले जा रही हूँ मासी, तुसी भी चलो ना मेरे नाल। शरण, तेनू पता नहीं कि मैं इंडिया नहीं जा सकती, ते ना ही मैं तेनू जान दूंगी, ते वेख, आज तो बात तू मेरे नाल गल भी नहीं करेंगी इंडिया जान बारे। मासी, why are you being so impossible? तुहानू पता है ना इत्थे कैनेडा च 18 साल दी उम्र दे बाद सारे अपने फैसले आप लैंदे ने, मैं सब कुछ तुहानू पुछ के करनी आ मासी, मैं उस तरह बिहेव करा फिर? यू नो मासी, यू नो I just don't believe you, yeah. हे मेरे वाहिगुरु, तू मैनू एक इहो जिहे धर्म संकट च पाता, मैं अपनी बच्ची का दिल नहीं तोड़ सकती, मेरे वाहिगुरु हुण तू आप ही उहदी राखी करी, ओदे अंग संग रही। शरण किन्ने दिनां लई जाना इंडिया? मेरी बच्ची। Hi. Hello. I'm in parking. बस दो मिनट चार। Hi. Hi. Hey. How are you, sweetheart? Absolutely fine. Very nice. Oh, madam, ये थोड़ा कनाडा नहीं, ये चंडीगढ़ है। हट जा। Come. How was your flight? Good. आखिर यारा दा प्यार तेनू खिंच ही लिया है इंडिया। हाँ हाँ, वेरी फनी। हाँ, मैं अपनी रिसर्च ले आई है। ओहो, करवाने तेरी रिसर्च भी। मैंने एक गल दस, तेरी मासी मान के दा गई, केड़ा मंत्र पढ़िया कुड़िए। I have my ways, baby. I to love your ways, baby.
Hi. I'm Sharon. Oh, hi. Hi. How are you? Absolutely fine. Thank you. Please have a seat. Thank you. Hor, kiven da reha tera safar? Changa si, thode che tiring si, but I'm glad that finally main India chya. वैसे ए मेरा फ्रेंड है करण मेरे नाल कनाडा च पढ़दा सी हेलो हाय शरण हां जी मैं तेरा सिनॉप्सिस पढ़या सी हां जी माइनॉरिटीज एट वॉर या बहुत बढ़िया लिखिया थैंक यू सो मच आयशा थोड़ा जिया सेंसिटिव इशू है जी आई नो दैट सो टेक केयर बिल्कुल जी पर हां हां जी मिलिटेंट करतार सिंह नाल जेडी तेरी मिलन दी एप्लीकेशन सी जी जी ओ रिजेक्ट हो गई है ओह ओके आई थिंक यू शुड ड्रॉप दैट आईडिया Oh. But don't worry. हाँ जी. मैं तेरे लिए कुछ और लाइन अप कर देनी है. ठीक है जी. हाँ जी विपा दस्सो. सर मैं कनाडा दी ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी दी स्टूडेंट हाँ सर. हाँ मैडम कपूर दा फोन आया सी. हाँ जी सर. दस्सो तुसी की पूछना चाहुंदे हो. सर मेरी पीएचडी दा टॉपिक है माइनॉरिटीज एट वॉर. ते मैं तुहाडे कोलों जानना चाहुंदी सी. जिहड़ा 80s ते अर्ली 90s दे विच पंजाब च खून खराबा होया सी. जी. ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਬੀਬਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬੀਬਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸਾੜਿਆ ਕਰੋ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸ਼ਰਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਵੇ ਓਕੇ ਕੂਲ ਲੈਟ ਮੀ ਟਰਾਈ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਕਮਲ ਸਰ ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਨ ਗਿੱਲ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਸਰ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੇਟਾ ਸਰ ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹਾਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਐਟ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕਰਤਾਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ 98558 0393 91 ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਆ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੋ ਹਾਂਜੀ ਨਾਮ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਗੁੱਡ ਲੱਕ किससे मिलने आई हो जी राजवंत सिंह से क्या लगता है तुम्हारा जी मेरा कजन है कजन कैसे जी मतलब किस रिश्ते से कजन लगता है तुम्हारा मेरी मासी का बेटा है क्या नाम है आपकी मौसी का कश्मीर कौर और मौसा का नाम जी मौसा अंकल का क्या नाम है आपके माय अंकल्स नेम इज सरदार महेंद्र सिंह कहां से आई हो तुम फ्रॉम कनाडा जाइए थैंक यू इस तरफ जाइए ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੈਠੋ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
और की हाल चाल है? जमाई चढ़दी कला। माता जी दा की हाल होण? माता जी भी ठीक ने, आण दी बहुत जिद करदे पे सी अज। ते लै आउणा सी? किथे घूमदे फिरदे, पर तुसी फिकर ना करो। लै कमली ना होवे तां मावां दा खून वैसे ही पुत्तां नूं देख के दूणा हो जांदा। तुसी बैठो, मैं भेजदा उहनूं। जी। ते कणक-कुणक बीजी आ? सॉरी करतार, वो शहरन तेनूं मिलण आई है। अच्छा, हाँ कणक-कुणक बीजी आ? सॉरी कानू जी, ठेके ते देती, हुण इन्नी खेचल नहीं हुंदी। हद हो गई आ, चल कर दें गल आपां। आ कुड़ी आई, मैनूं मिलना, उहनूं मिलना जरा। चलो ठीक है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी सत श्री अकाल। जी मेरा नाम शारन गिल है, मैं कैनेडा तो आई हाँ, PhD कर रही हाँ। मेरी रिपोर्ट का टॉपिक है माइनॉरिटीज एट वॉर, ते मैं तुहाडे कोलों कुछ सवाल जवाब करना चाहुंदी सी। जी मैं तुहानू पूछना चाहुंदी सी कि तुसी टेररिस्ट किवें बने? और कुछ? करतार जी, मेरे पुछन दा मतलब ऐसी के मैं तुहाडी लाइफ दी जर्नी बारे जानना चाहुंदी हां, लाइक हाउ डिड यू गेट वेयर यू आर टुडे। आशीष कैदा करो मैडम नु ना। जी जी मिलते हैं आपा। चंगा जावा फिर मैं हुण? नहीं रह ला, तेरी बैरक बुक करा देना इत्थे। ठीक है, अपना ख्याल रखी ते चढ़दी कला च रही। तुहानू लगदा है मैं टेंदी कला च रह सकदी हां? चल ठीक है। तुहानू पता टैररिस्ट किन्नू कहंदे? टैररिस्ट ता ओही बंदा हुंदा है जेड़ा बेगुनाहां नू मार के खौफ पैदा करदा। देश आजाद होण तो पहला भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, चंद्र शेखर आजाद, गदरी बाबे, इन्हां सारिआं नूं टैररिस्ट कहा जांदा सी। मैडम हर वो बंदा जिहड़ा सिस्टम के खिलाफ हथियार उठाउंदा है उहदे मत्थे ते समें दी सरकार टैररिस्ट दा लेबल ला दिया करदी है। बट भगत सिंह, चंद्र शेखर आजाद जिन्हां लोकां ते तुसीं ना लै रहे हो, वह अपनी देश की आजादी लई लड़ रहे सी। तुसीं तां अपने ही देश के खिलाफ लड़ रहे हो। सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे सी, देश दे नहीं। एहो जी की खराबी है सिस्टम विच? फिरका प्रस्त है, साड़ी पहचान खत्म करना चाहुंदा है सिस्टम। संविधान दे मुताबक हुण तक साड़े धर्म नूं वखरा धर्म नहीं मन्या गया। जद असी हक मंगे, इन्हां हक तां की देने सी? साड़ा अकाल तख्त ढांता, दिल्ली च साड़े भाईचारे दे हजारां लोग कतल करवा दिते, ते कातल अज तक खुले घूम रहे। ਬਲੜੀ ਸਿਸਟਮ। ਬਟ ਕਰਤਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ? ਸ਼ਾਰਨ ਗਿੱਲ। ਸ਼ਾਰਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ? ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਉਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਖੋਵੋ, ਪਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਬੰਦ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ।
पर बोले कन्ना तक आवाज पहुंचाने लई धमाका करना पैंदा है। करतार जी, मैं अगर तुहाडी बीती जिंदगी बारे गल करा, तुसी हॉकी दे बहुत वधिया प्लेयर रह चुके हो, ते फिर इस रास्ते किवें? प्लेयर तो मैं हुण भी हाँ, उदों टीम लई खेडदे सी ते हुण अपनी कौम लई खेड रहे हैं। मैनू तो बस दो ही चीज़ां नाल प्यार सी, एक अपनी गेम ते दूजा दिन मैं कॉलेज तो घर आ रहा सी कि रस्ते विच मैनू मेरा एक पुराना दोस्त मिल पिया जो हुण खाड़कुआं विच शामिल हो चुका सी। होर फिर इस वारी जा रहे हो नैशनल? हाँ पाऊ, तैयारी तो पूरी है। देखो आ की है कि संताली है? कुछ नहीं कुछ नहीं, बस 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 ले चल ले चल।
माता रोटी पा दे फटाफट। बाज पुत्र टाइम ना घर आ जा कर, समा बहुत माड़ा अजकल। कुछ नहीं होया समय नू माता। कड़ी सब्जी बनाई है? आलू छोलियां दी। बापू ने खा लिया? वो संतां दा भाषण सुन दे, ठहर के खाणगे। अच्छा भाई पिंड च पुलिस आई है, तैनू लभदे फिरदे आ। अच्छा बाज मैं कित्थे चलिया? चलो ए, सर्च करो चल। मुंडा कित्थे है? कौन है? ओ जवाई है तेरा बापू जी, मत्था टेकदा, कड्डो मुंडे नूं बाहर। जनाब घरे तो कोई नहीं। ओए फंग थोड़े ना लगे मुंडे नूं, अंदर ही होना कितने लुकिया। चप्पा चप्पा छान मारो, खाना खांदे गया है? दसो पापा मुंडा कित्थे है तेरा? ओ पुत्तर जरा तमीज नाल गल करो। ओ सिखा तमीज इहनू। भाई ना मारो, तुसी ठीक हो? रब तो डरो वे। चपनाम चपनाम ओए रुक, केड़ा तू भाईया मेरा, होया की है? अच्छा के साले नूं बंद कर दे थड़े तारा, तेनू पता नहीं तू की कर रहा है। चलो फड़ा ना कौन है भाई इस वेले? मैं मामा जी बाज। बाज इस वेले पुत्र तू किधर उड़िया फिरता है? आ जा, की होया? करे पुलिस पै गई मामा जी। पुलिस? हाँ जी। वो क्यों? रोटी खान लगा ही मैं था, नौकर कहंदा सारा पिंड घेरिया उन्होंने। मैं क्या जी गल सुनियो? हाँ दस। जरा उरा आके गल सुनो। हाँ बोल। देखो जी कोई लोड नहीं है दे ना हमदर्दी करन दी, एनू मुर्दे पैरी वापस भेजो, की पता है किहो जे कम्मां च फसिया फिरदा है। बकवास ना कर, हर वेले भौंकदी रहू। की भौंकदी रहनी है? है तुहानू तां मैं भौंकदी लगदी आ, नाले मैं नहीं इहदे पिछे अपने निक्के निक्के जवाकां नूं रोल सकदी, नाले थोड़ी नौकरी दा की होऊ, तुहानू पता हालात की ने, सियाणा बण सियाणा। करतार चल यार, चल चल उठ शेर बन। वालों माड़ा आया जरा की होया बापू नू? तेरे जान तो बाद जेपी सिंह रंधावा ते उहदा पालतू कुत्ता कड़िया वाला घरे आई सी, उन्हां ने ताई नू बड़ा जलील किया, साले कड़िया वाले ने ताई दे चपेट तक मारती। जरा
ताया सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकिया। ताए नूं हार्ट अटैक आ गया, सानू छड़ के चला गया करता रहा। फिक्र ना कर यारा, वेख लांगे ना भैन चोद नूं। जनाब सर इन्ह हवालातियां का की करना जी? किन्ने बंदे हवाला च? जनाब तीन बंदे ने। परचा कटिया? की लोड़? परचा कटो ते जो भी कार्रवाई बनती है कानून मुताबिक करो। ओके जनाब। कानूनी कार्रवाई हुन सानू ही सिखनी पाऊगी। हुन की करिए जनाब? जे ना वास्ते कानून कुछ नहीं ते साढ़े वास्ते कादा? तू अपनी कार्रवाई कर। चलो ओए कड्डो हवाला तीन बार बनाइए साले, छिटो गड्डी च, चलो पिछू जिंदा खोल। जी जनाब। चलो ओए बार कटिया जी जला लगता तरह। जनाब इन रहन दो जी, परिवार वाला बंदा है जी, ये कसूर की है जनाब। चुप ते, मैं डंगर भर्ती की थे साले। चलो बुजुर्गो चलो चलो वो चल बार चल। बापू की मौत नू तां मैं एक हादसा समझ के सबर कर लिया सी, पर ताए नरवैर के कतल तो बाद मैं पुलिस वालियां दा कट्टर दुश्मन बन गया। 6 महीने की ट्रेनिंग तो बाद एक दिन असी कड़िया वाला दी उड़ीक विच घात लाई खड़े सी। ध्यान नाल अपना आप बचा के। ठीक है ठीक है ठीक है, फिक्र ना कर। ये तो कोई हो रही है, चल 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 चल।
ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ 11 MPs ਵਿੱਚੋਂ 9 MPs ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਉੱਲੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਰਤਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਜਰਨਲ ਨੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਰਚੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਆਪਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ, ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ, ਮਿਲ ਲਿਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਰਨ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ? ਠੀਕ ਸੀ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਫੇਰ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਘਰ? ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੋਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਅੱਜ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ। ਚੱਲ, ਲੈਟਸ ਗੋ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਪਾਗਲ ਸ਼ਰਨ, ਤੂੰ ਬੈਠ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਮਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਸੈਟ, ਮਮਾ ਮਮਾ। Thank you.
मैडम कितने गए? मैडम तो चले गए जी। चली गई? एक ही गल बनी शरण, तू अचानक उतो गायब हो गई। मैं तेन फोन करी जा रहा, कोई जवाब नहीं। What's wrong? वैसे यार। वैसे? क्या? एक कोई जवाब नहीं होया। दस की गल है, come on। मैं क्या ना करूँ? कोई गल नहीं है, I'm just a little upset। आप कल मिल दे please। I understand शरण, पर जो तू कीता, it's very insulting। तेन मॉम नू नहीं मिलना से मैंने पहले दस दिन दी। एहो जी कोई भी गल नहीं है करण। ते फिर की गल है? करण, रिटायर्ड आईजीपी जसपाल सिंह तेरे डैड ने। हाँ, तू मिली उन्हें? करण, मैं मिली ते नहीं है, बट मैं काफी कुछ सुनिया है उन्हें दे बारे। की सुनिया? मैं ते काफी कुछ सुनिया है करण, बट व्हाट आई नीड टू नो इज तू की जानता है अपने डैड बारे? मैं अपने डैड बारे की जानता? या My dad is a real hero. He's my idol, Sharon. Punjab jo attivad khatam karan chuna da ahem role se ga. Aise karke ta sarkar ne unhonu ek sub inspector to leke IG tak di tarakki ditti. Par tu ye sab kyun puch rahi hai? Karan, shayad oh nahi janda ki tere dad utte kai begunahan nu maran de nale unna de properties hadban de dosh vi lagge ne. ओ कम ऑन शरण, है इंडिया है, इत्थे बड़ी नॉर्मल जी गल है, इत्थे आम जनता पुलिस होते दे दोष लाउंदी रहिंदी है। करण, आई नो, बट मेरी रिसर्च ते नाले जेड़े लोकां नूं मैं मिल रही हां, इट शोज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। हो हो, मैं तां भुल ही गया सी कि मैडम अज अतवादी करतार सिंह नूं मिल के आए ने, ते तैनूं अज इक अतवादी दी गल्लां ने इन्ना इन्फ्लुएंस करता कि तू मेरे डैड उत्ते डाउट कर रही है। शरण, करण, मैं किसे दी भाषा नहीं बोल रही, नाले मैनू किसी ने इन्ना इन्फ्लुएंस नहीं करता है। आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज अ बिटर ट्रूथ, जिहड़ा कि मैं ही नहीं कई लोग कह रहे ने। करण, मैं किसे यकीन दिलावा? आई मीन इफ यू डोंट बिलीव मी जस्ट लेट मी जस्ट शो यू दिस। इको एक पुत सी मेरा, बड़िया उम्मीदा नाल पालिया, व्याह किया उहदा, आ पुलिस वाला रंधावा जमदूत बन के आया, घरों जान गया मेरा। एक दिन की गल है कि जो अद्धे को रात वेले डीएसपी रंधावा साढ़े कहन लगा कि कुछ पूछ पड़ताल करनी है, सवेर तक भेज देवांगे, पर आज तक वो सवेर नहीं आई। जे मैनू मौका मिल गया ना, मैं साढ़े रंधावे नू मार देना। I wish कि ये सब झूठ ही होवे। Thank you.
ਡੈਡ ਐ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਦਾ ਕੀ ਕੇਸ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਡੈਡ, ਨੈਟ ਤੇ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਵਰਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਆਪਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ? ਤੂੰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਚਾਹ ਪੀ। ਹੇ ਯਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਸੌਰੀ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹਰਟ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਨੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਸੌਰੀ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ। ਕੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਲੱਡੂ ਪੁੱਤ ਕੁਛ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ, ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ 7 ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਅਤੇ ਹਾਰ ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਜੇਲ? ਪਰ ਤੂੰ ਜੇਲ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਲਟਨ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ? ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਤੇਰੀ ਰਿਸਰਚ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ। ਆਪਣਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਮਾਸੀ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਪਲੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਓਕ ਗ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਸਲਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਭੈਣ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਕਾ, ਮੈਂ ਮੇਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇਪੀਐਸ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਹੰਸੂ ਕੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਘੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਪੀਐਸ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ
गंदी है यार। ले इत्थे आके भी नहीं सुधर दे। ओए नानके आए हो? ओए चल पीछे पीछे। ले फिर होगी झूठी। ये तो उही मोक मार गया। तू कहंदा सी सिंह है। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਚ ਖਬਰੂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆ सॉरी दया एक गलत दस लड़िया तो तू ही सी तेरे क्यों नहीं पईयां उड़ उड़ के छाला भी तो तू ही मार रहा सी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा तरसेम सिंह ने बुलाया तुहानू। चलो आओ मेरे पीछे। आजो
ਓਇਆ ਬਈ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਉਸ ਪੁੱਤਰੇ ਸਾਨ ਸੰਤੋਖੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੈਜਾ ਬੈਜਾ ਕਰਾਤੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾ ਉਹ ਬਦਾਮ ਸ਼ਦਾਮ ਖਵਾ ਬਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਘੋ ਖਾਲਸਾ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੋਰਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਸਿੰਘਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਚੋਰਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਸੀ ਜਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲਿਆ ਬਾਲਿਆ ਕੁਛ ਇਹ ਕਾਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਾਠੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣ ਅੱਛਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਚੱਲ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਆਏ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਬਸ ਚਲੇ ਗਏ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਭ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾ ਮੈਥੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਜਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦੱਸ ਦੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਉਹ ਬੱਠਲਾ ਚੱਲ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਓਏ ਨਹੀਂ ਓਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਮਣਾ ਹੋ ਜਾ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਓ ਜਨਾਬ ਸੋਹਣੀ ਆ ਬਲੂੰਗੜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਓਏ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿਛੋ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਇਹਦਾ ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਓਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਲਕ ਜਰੰਡਾ ਦੇ ਦੂੰ ਓ ਸਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਬੀ ਜੀ ਓਏ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਸਿਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਬੋਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਸਮ ਤੀਵੀਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗਾੜਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਬੂਥੀ ਐ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੁੜੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ ਮੂਰਖ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ 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 ਉਹ ਬੋਲ ਐ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲੇਗੀ ਚਲੋ ਬਿੱਛੂ ਉਹ ਬਿੱਛੂ ਪਾਓ ਲੰਮੀ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸੁੱਕੀ ਮਾਜਰਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਗੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜੋਰਿਆ ਜੋਰਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਗੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਤਾ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਪਿੱਛੂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਜੋਰਿਆ ਇੱਕ ਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਜੂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜੜੋਂ ਪੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੈਲ ਡਨ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਜਗਾ ਦੀ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਵੈਲ ਡਨ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਡਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਚ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਇਹ ਸਾਲਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਲਾ ਗੜੇ ਮੁਰਦੇ ਉਖਾੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖ ਰੰਧਾਵਾ ਜੋ ਚੀ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖਲਲ ਪਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤਲਵਾੜਾ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਹੈ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊ ਦੇਖ ਰੰਧਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਗਰੂਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਤ ਸ਼ੂਟ ਹਿਮ ਸ਼ੂਟ ਹਿਮ ਅਜੀਤ ਪੜਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਵਕੀਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰਤਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ ਇਹ ਵੇਲਾ ਢਿੱਲੇ ਪੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਈ ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਹਰ ਲਹਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਬਈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸੁਰੰਗ ਹਾਂ ਸੁਰੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਰੇਤਲੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੈਰਕ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਤਾ ਕੰਧ ਤੋਂ 80 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 16 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ 90 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਭਾਊ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਖਵਾਏ ਬਦਾਮ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਕੇਵਲ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵੀ ਤੋ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ
राजवान सिंह रिपोर्टिंग जनाब, ये मेरी ज्वाइनिंग दे ऑर्डर ने। राजवान सिंह हाँ, ये जेल है जनाब। आज जो फिर से आपा पाई बैठे है, फिर तुझी मैनू कहोगे भी तू दस्या क्यों नहीं होए। राजवान सिंह तेरी ज्वाइनिंग कराने हैं पाच, चल पहला तेरी दलीरी देख ली है। थोड़ी इन्नी जरूरत के तुसी साढ़े मुलाजमा ते हाथ चुकया और फड़ो ए पागल होए ने सड़े पा दे उन्होंने चुके पागलों वाली बैरक च। Cigarette smoking is injurious to health. तंबाकू का सेवन सेहत लई हानिकारक है। काम तो हो गया, चले गए मेरे सड़े। हुण फिर दक्षण वाले पासे 80 फुट ते कंध है, आपां इधर नूं ही काम शुरू करना। पर ओ तां ठीक है भाऊ, तुरंग चमचा ना पुटनी है के नोहा ना खुरचनी है। हाँ बह जा तू, ओहदा वी इंतजाम हैगा। ओ तेरी, ओ एथे की है हुण? एथे ही अपने बाहर निकलन दा रस्ता। सब तो पहला तां इहदियां चारों साइडां खुरच के आपां इहनूं सीट नूं बाहर कढांगे, फिर इदां ही आपां स्लैब बाहर कढांगे। ठीक है, कोई शक? चल भी जट्टा, हो जा शुरू। सुई ना सुरंग पुटनी है, कोई कई कोई फड़ा यार। साला खोता पिछे होए, जे दिमाग बंद आ ना तो मुंह भी बंद ही रखिया कर। बाबा जी तुसीं ध्यान दिओ जरा, इहनूं साइड तो खुरचना शुरू कर दे आपां। इस तों बाद इहदा करतार गल तां दस यार, जे इहो पुट मारी तां आपां जंगल पाणी कित्थे जावांगे। डाक्टरा बाहर लैके जा इहनूं, बाहर कढ इहनूं। फिर इदा ही आपां पूरी दी पूरी स्लैब बाहर कढांगे। हमरी करो हाथ दे रचा, पूरन होए चित दी इच्छा।
रहा भाई? कुछ नहीं, किल ठोक रहा है रस्सी बनने वास्ते। खड़का ना करो वाला। सटो इन अंदर चलो मारते चलो। तुसी मरना है कदे ने मेरे हथों फुद्दू समझ रखा इन्होंने मैनू। मैं ता बंदे मारदा है मैनू धक्के मारदे है गुड्डू डू जे समझाओ मरा या इन्हां नूं। लाओ जी आपां भी हो गए हुण थोड़े नाल दे गरम तड़ा। करतार आ गोपी दा की करना? प्यार ना समझाउण दा टाइम तो है नहीं, सिद्धी गल ही करनी पैनी है। क्यों भाई पात्रा पिंड है ना तेरा? हाँ जी। सत जी है तेरे टब्बर च? हाँ जी। मां प्यो चाचा चाची दो प्यारे प्यारे बच्चे एक घर वाली? हाँ जी। सिंगा ना गदारी करन दा मतलब जानदा? हाँ जी हाँ जी। परिवार समेत
सौदा। हाँ सौदा। सेवा दसो। आओ भी दस दें। बड़े चले तसीहे ने और हुन सह नहीं सकते के बन गया तूफा यारो एक जगह बह नहीं सकते असी चट्टान हाँ साडे इलाके नहीं सकते असी चट्टान हाँ साडे
जेड़े कैद विच रह नहीं सकते असी पंछियां ओ जेड़े कैद विच रह नहीं सकते असी पंछियां ओ जेड़े कैद विच रह नहीं सकते। उस तो बाद फिर क्यों आया करतार जी? करतार जी आपके वकील साहब आए हैं। अच्छा शरण बाकी गल आपां फिर करदे हां। ओके सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। की हाल है करतार सिंह? ठीक है जी वधिया। बाबा तरसेम सिंह दा कनेडा तो टेलीफोन आया सी। ये लड़की शरण गिल ये हरभजन सिंह की बेटी है। तलवाड़ा साहब कारपोरेशन बैंक के डायरेक्टर सन। 1 मई 1993 में अचानक ही उन्होंने दो कुलीग गायब हो गए। सुराग लगते गोबी नगर के शमशान घाट गए। जब उन्होंने उठो का रिकॉर्ड चेक किया तो उन्होंने पता चलिया कि पुलिस इस शमशान घाट में हजारों लाशों को लावारिस करके साड़ चुकी है जिन्होंने उन्होंने दो कोलीग भी सन। जब उन्होंने पुलिस दी कालियां करतूतों का कच्चा चिट्ठा मीडिया सामने खोलिया तो पुलिस उन्होंने जान की दुश्मन बन गई। ते एक दिन अचानक ही उन्होंने घरों चुक के लै गई। बाद इस पता चलिया SSP JPS रंधावा ने उन्हां दा कतल करके उन्होंने हरी के दरिया भी सुट दिता। करण आ की इन्ने दिनों बाद घर आया फिर बैग चक लिया। बच्चे तू रहंदा किथे अजकल? किथे नहीं मॉम इत्थे ही हां। तैनूं पता घर खाण नूं आंदा होर है कौन तेरे बिना साडा? तेरे पापा भी उदास हो जांदे कहंदे सी गल करनी है तेरे नाल। बाहर लॉन च बैठे है जा मिलिया जाके एक बारी। मैं बाद च गल करांगा। मैं क्या ना बच्चे लिया बैग मैनू दे जा एक बारी मिलना। शाबाश प्यारा बच्चा जा एक बारी मिलिया जाके। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। डैड आप पुत्र बैठ बैठ जा। वाह भाई वाह। सियाने कहंदे ने कि जो प्यो की जुत्ती पुत दे पैरी आउन लग जाए तो उन्हें अपना दोस्त बना ले। अरे ते चंगे दी परख करना बड़ी औखी गल सी। सानू हुक्म होया सी कि इस लैंड ते किसी भी तरीके नाल काबू पा लिया जाए। जे आटे नाल कुन भी पिस गया होवे ते मैं की कर सकता। डैड मैनू ये दसो सतवंत सिंह तलवाड़ा नू पुलिस ने क्यों मारिया? ओदी घरवाली तो शरेआम कहती है कि तुहाडे इशारे ते होया। एक हवलदार ने तुहाडे खिलाफ कोर्ट च गवाही भी दित्ती सीगी। झूठ बोल दी जनन झूठ बोल दी। और जे तू हौलदार की गल कर रहा ना वह अतवादी ना मिले होया सी ऐसे करके उन्हें मरवा दिता गया। डैड देख पुत्रा जो बीत गया सो बीत गया। सप दे लग जान तो बाद उदी लीक कटने का कोई फायदा नहीं। और तू की लेना देना गल च? हां तू अपनी लाइफ एंजॉय कर यार है? चीयर्स। डैड तुसी कभी सोचा जेड़े बेगुनाह पुलिस के हथे मारे गए उन्हें परिवारों का की हाल है आज? देखो उस वेले देश की एकता अखंडता कायम रखना बहुत जरूरी सी। जे चार अतवादियों पिछे एक बेगुनाह ना धक्का हो भी गया होगा तो की है असी अतवाद तो खत्म किया ना? अपने लोगों को मार के देश की अखंडता कायम रखी जाती है। कौन अतवादियों को अपना करना जिन्होंने परिवार से परिवार बच्चा समेत घरों पार करके मार दिता? तुसी की कीता डैड? बदतमीज मैनू अतवादी ना मिला रहे।
दबा हो जा, दबा हो जा। सत श्रीकाल जी। ओ करतार जी नहीं आए अजे तई? उन्हें मना करता तो मिलने। ओके बट वाई? ये तो मैनू नहीं पता, पर उन्हें कहा है कि वो तुहानू कदे भी नहीं मिलना चाहता। सत श्रीकाल। पर हेलो जलंधर बस स्टैंड तों गिरफ्तार कर लिया। लैवी शेरा तैयार हो जा, बस एक बारी करतार दी पिट ला दी, गनमैन तां तैनूं मैं चार दवा दूं। कोई नहीं भाई जी, आपां तां तैयार ही हां, बस तुसीं ख्याल रखियो। सत श्रीकाल। करतार जी, एक मिनट मेरी गल सुनोगे प्लीज? हाँ, तुसी की कर रहे थे? तुसी मैनू मिलन नू मना क्यों करता? बस मैडम, बहुत हो गई मुलाकात अपनियां। एक्चुअली मैं अपने बॉयफ्रेंड करण नाल तुहानू मिलाना चाहुंदी सी। जेपीएस रंधावा दा बेटा है। शुक्रवार नू आ जाओ। किवें जानदी है तू? जी ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕੀ ਸਾਂਝ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਤੇ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਕਰਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅਕਲ ਹੈਗੀ? ਤੂੰ ਇਸ ਗੰਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਆਈ ਮੀਨ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਬਟ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਬਾਰੇ ते अपना कर पार छट के ए मेरे नाल हर उस कर च गया जिरा कि अते डैड करके बर्बाद होया है। एंड तुसी करतार जी, आई मीन आई डू अंडरस्टैंड यू, बट एट लीस्ट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट अस। ठीक है, पुछ की पूछना चाहनी? मैं तो सिर्फ यही पूछना चाहती सी कि तुहाडे ओ जेल तो फरार होन तो बाद फिर की होया? जेल तो फरार होन तो बाद असी हिमाचल प्रदेश के उन्ना डिस्ट्रिक्ट दे विच एक गुरुद्वारा साहब विखे पहुंचे। डॉक्टर साहब जी का कोई सुनेहा आया बाबा? हाँ, 2 दिनों तक फार्म हाउस पहुंच जाएगा। अच्छा, फिर आपां नूं भी निकलना चाहिए 2 दिनों बाद। करतार, सत श्री अकाल।
आ की होया? कुछ नहीं। ठीक रहने हो? तैनू की लगता? 5 साल हो गए अपन नू मिलिया। करतार निर्मोहा हो गया है तू। जब मिली है ना तो मुंह कट जाता। कानू आदतां खराब कर दी हैं। आपां तां छोले छाले खाण वाले बंदे हाँ। हाँ वो तो पता लग ही गया मैनू। बेवकूफ ना हो करतार पुलिस। अपने ही बंदे था। वाहेगुरु जी का सिकल बाबा जी। वाहेगुरु जी की फतेह। और जी की हाल है वीर? ए बाबा जी, ए प्रथम जी, ए जोरा। सत श्री अकाल जी। की हाल है राजवंत जी? सत श्री अकाल। बल्ले बल्ले कराती तू ता। ए भाई है अपना वीर है जोरावर। सत श्री अकाल। की हाल है सिंगा? ठीक है जी। आ सिंगणी अपनी। सत श्री अकाल जी। एक दिन पहला आ जांदे तुहानू विआह दिखा देना। मुबारकां जी बहुत-बहुत तुहानू। चल ठीक है फिर, अपना ख्याल रखी। तुसी भी अपना ख्याल रखियो। देखी कितना डोल ना जाई। करतार सिंह दी सिंगणिया एवें नहीं डोलदी। रूह खुश करती हो। चलो भी आ भी प्रथम। जगह तो वधिया सेफ भी है। हाँ लो जी शको। ओए आप पेप्सी आ? बाबा एनका लाला पानी आईया। ओ छोटा पा लाओ जे। करतार सिंह अगों की प्लानिंग है? होम मिनिस्टर नु हटाना। ओके में करतार सिंह आरडीएक्स लैंड कौन चलिया? मैं ते प्रथम चले जाने।
मेरे ख्याल नाल थोड़ा शहर जाना ठीक नहीं, थोड़िया फोटो भी अखबार छपिया ने। ला लेने कोई स्कीम। अंकल जी सत श्री अकाल। साला अंकल दा ना मेरे घरे भूआ वे तेरी लसंस कढ। ब्रा जी देखो वड्डा ब्रा तो कह सकना वा ना। ओ कोई ब्रा नहीं लसंस कढ तो है नहीं का है नहीं का। आरसी होगी आरसी कढ। खोटा दिमाग है की क्या मेरा खोटा दिमाग है। आरसी भी गरीब बुलाया सु लसंस तेरे कोल नहीं आरसी तेरे कोल नहीं। ए स्कूटर किदा चक्के होए अपना ही हैगा खानदानी बंदे हैगे ऐसी कोई गल नहीं। मैं तेरा चलान कर देना समझो गांधी जी दे बंदे हैगे वहां। अच्छा गांधी दे बंदे हो ले करा दर्शन। और गल सुनो गलतियां दो ते गांधी एक तुसी लालच करने में है। और नहीं होए या ठीक है सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। और जान दियो मुंडियो। हां जी अभी तक कमाल ही कर दित्ती हो टट्टू कुमार चल तू। ला भी डॉक्टर संभाल अपना समान। वाह भाई वाह इन्ने समान नाल तां भावें दो बंब तैयार करा लियो। अच्छा लग जा फिर काम ते। अज काम नू फिर एक सिर दी लोड़ है। कौन दऊगा शीती करतार तू रहन दे तेरा पिंड अजे लम्मा है। मैं देंगा। ओ नहीं ओए अज मैं दऊंगा कुर्बानी।
जोरिया तेन मैं कह रहा ना कि कुर्बानी मैं दू हाथ ले कर तू हाथ ले कर लाड़ ते जाके मरन वाले बहुत सारे पतंगियां मैं देखिया पर कुर्बान होने लिए इना बेचैन बंदा मैं पहला कदे नहीं देखा मेरे वीर कोई नहीं जानता बाज मेरे अंदर केड़ी अग बलदी है हुण तां बस जी करदा बंब बणा ते फट जावां तू तां यार एक पुलिस वाला तू इदां दा की देख लिया मैं तां यार रोटी दी खातर पुलिस भर्ती होया सी मैनू की पता सी पुलिस वाले जिन्हां दा कम लोकां दी सेवा करना है वह अपने लोगों नाल ही विशियां वर्गा सलूक करनगे मेरे सफर का बंध तो उस दिन टुट गया यार जिस दिन राणा जी ने आइडेंटी कार्ड जान दो
यारा छड़ चले हैं ना कल्ले नू तेरा मौका इन समान नाल तां भावें दो बंब तैयार करा लियो चौड़ा दे निकले जो रहा नंबर लाई गए कोई गल नहीं यारा मैं भी आया तेरे मगरी मेरी लाडो का ध्यान रखी वीरे मैं मानता जो तुहाडे नाल होया वो गलत होया पर होम मिनिस्टर दे नाल जिहड़े वी बेगुनाह मारे गए उन्हां दे परिवार वालियां नूं कौन जवाब देगा मैनूं अफसोस है उस घटना विच मारे गए बेगुनाह लोकां दी मौत दा पर उस घटना करके पंजाब विच चल रहा मौत दा तांडव सदा लई खत्म हो गया पुलिस ते प्रशासन नूं इस गल दी समझ लग गई कि लोकां नाल नफरत ते हिंसा दी बजाए प्यार ते मुहब्बत नाल पेश आना चाहिदा है ओ केड़ियां मुहब्बतां दी गल्लां करदे पए हो तुसी हिंदुआं नूं बसां चों कढ कढ के मारिया है लुट्टो खोई मचाती हर पासे तुसी आम लोकां दी तियां पैणां दी इज्जतां नाल खलवाड़ कीता है तुसी देख एक सच्चा सिख कदे भी अजाए घनौणे काम नहीं कर सकदा इह सारे काले कारनामे साडे च शामिल गलत अंसरां ने कीते सी ते इन्हां गुंडा अंसरां विच्चों बहुत सारे लोग तेरे प्यो वर्गे पुलिस अफसरां ने साडी लहर नूं बदनाम कर ली साडे च शामिल कीते सी समझिया तूं बट तुहाडा मूवमेंट तां बिल्कुल खत्म हो चुका है हुण तुसीं की सोच रहे हो मैनूं अफसोस है हकां दी इह लड़ाई असीं जित नहीं सके पर इक गल दा पक्का यकीन है कि इक ना इक दिन आवेगा जद लोग लहरां बन के उठणगे ते हकां दी लड़ाई जितणगे बट अगली पेशी च कोर्ट तुहाडा फैसला सुनाण वाली है ते वो फैसला तां ऐ वी हो सकता है देख मैनू दुनियावी अदालत दे किसे फैसले दी कोई परवाह नहीं क्योंकि शरीर दा मर जाना मौत नहीं हुंदा जमीर दा मर जाना यकीनन मौत है वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह आप मैं मुझे बस ये बता दीजिए कि आप तिहार जेल में किससे मिलने जाते थे राजवंत से या करतार से करतार से
आप करतार से मिलने क्यों जाती थी? क्या रिलेशन है आपका करतार के साथ? सर, मेरा कोई रिलेशन नहीं है उनके साथ। मैं तो अपनी सिर्फ रिसर्च लई मिलन जांदी सी उन्हां नूं। आई एम जस्ट अ नॉर्मल स्टूडेंट फ्रॉम कनाडा हुज कम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम सर। अच्छा मैम, आपने जो हमें बोला हमने मान लिया। अब आप मुझे ये बताइए कि ये कौन है? सर, मैं इन्हें नहीं जानती। अच्छा, ये कौन है? शीज मासी। मासी, क्या नाम है आपकी मासी का? जी, मनजीत कौर। मनजीत कौर या जसबीर कौर? जी नहीं, मनजीत कौर। ये मनजीत कौर नहीं, जसबीर कौर है। स्लेन टेररिस्ट कुलबीर सिंह की पत्नी है ये, जो कई साल पहले इंडिया से फरार हो गई थी और तुमको भेजा है यहाँ पे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। तुम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोऑर्डिनेटर का काम कर रही हो। यू पीपल आर क्रेजी। आई एम अ PhD स्टूडेंट फ्रॉम कनाडा। मेरी गलती सिर्फ इतनी सी कि मैं करतार सिंह नु मिलन ले कुछ सेटिंग करवा लेती। आई एम नॉट कंस्पायरिंग अगेंस्ट द कंट्री। दिस इज कंप्लीट बुलशिट। तुम लोगों की जात को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। अभी बताता हूं तू कैसे बोलेगी। जाओ, शिंदे को भेजो। हाँ जी मासी जी। बेटा शैरन? शैरन ठीक है मासी जी। कल करवा दे बेटा। नहीं मासी, वो क्यों, क्या हुआ बेटा? मासी जी रेस्ट कर रही है। करण ठीक तो है ना? करण एक मिनट मासी जी। हेलो मासी। बोल मेरे बच्चे। मासी मैं कौन हूँ मासी? शैरन, तू मेरा शेर पुत्र शेरू है बेटा। नहीं मासी, मैं मम्मी पापा कौन सी मासी? तू एक बार आ जा मेरी बच्ची, मैं तेनू सारा कुछ दसूंगी। नहीं प्लीज प्लीज दसो मासी, प्लीज प्लीज दसो मासी। मासी मासी मेरे मम्मी पापा कौन सी मासी? इन्ना गल्ला तो डर दी, मैं तेनू इंडिया नहीं सी भेज रही। तू छोटी सी, बहुत छोटी, सिर्फ 4 साल दी। जदों तेरे पिता हरभजन सिंह नूं कड़िया वाले नां दे अफसर ने तेरे ते तेरी मां दे सामने टॉर्चर कर करके शहीद करना सी, सी ओ बेचारी भी ये दुख सहार ना सकी, खूह विच छाल मार के मर गई। Ah
No, Shailen. Don't cry, sweetheart. Don't cry. No, Shailen. Sharon, सब ठीक हो जाएगा. Sharon. बेटा छड़ो पर इन्होंने गलों में एदा हुन कोई फायदा नहीं. अंकल जे तुहाडे वर्गे बंदे दा दी गल सोचण लग पैन फिर तो गल झूठ हो जाओ कि अंत नूं चित सच दी हुंदी है. बेटा ये सब किताबी गलां नहीं, सच की लड़ाई लड़नी बहुत औखी है. अंकल मैं तुहाडी गल नाल सहमत हाँ, यह लड़ाई बहुत औखी है, पर जे तुसी मोढे ते हथ रख दोगे असी यह लड़ाई लड़ लांगे. बहुत पीण लग गए तुसी. मानयोग पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने साबका गृह मंत्री सरदार बलदेव सिंह दी हत्या दे दोषियों दी सजा दा फैसला सुना दिता है. दोषी करतार सिंह अते राजवंत सिंह राजा नूं फांसी दी सजा सुनाई गई है. इस हत्याकांड विच शामिल इन्हां दे तीसरे साथी जोरावर सिंह दी मौके ते ही मौत हो गई सी. इस मौके करतार सिंह दे वकील अमर सिंह चाहल दा कहना है कि ओह इस सजा दा विरोध सुप्रीम कोर्ट विच करनगे, जदकि इस दे उल्ट राजवंत सिंह राजा ने इस फैसले नूं खिड़े मत्थी लैंदिआं होइआं अदालत दा धन्नवाद कीता है. सुरेंद्र डल्ला, जी पंजाबी.
ਇਹ ਦੱਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।